हमने ध्वनि कविता पढ़ी, अब आइए कुछ अभ्यास कार्य करें। यहां कुछ शब्द दिए गए हैं, प्रत्येक शब्द के आपको दो दो पर्यायवाची शब्द लिखना है। गात, पत्ता, पुष्प, अमृत, वन, लालसा। आप पर्यायवाची शब्दों से परिचित हैं? समान अर्थ वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। आइए अभ्यास एक के उत्तर देखें। आपको पर्यायवाची शब्द लिखने थे। गात, गात का पर्यायवाची शब्द क्या है? शरीर, देह। पत्ता, पर्ण, पल्लव। पुष्प, सुमन, कुसुम। अमृत, सुधा, पीयूष। वन, जंगल, अरण्य। लालसा, चाह, कामना। आइए अभ्यास दो करें। इन शब्दों को आपको अपने वाक्यों में प्रयोग करना है। अभी अभी, हरे हरे, पुष्प पुष्प, सुबह सुबह, घड़ी घड़ी। अभी अभी, अभी अभी हमने ध्वनि कविता पढ़ी। हरे, पेड़ों में हरे हरे पत्ते आ गए हैं। पुष्प पुष्प, पुष्प पुष्प की खुशबू मन को भा रही है। सुबह सुबह, मैं सुबह सुबह व्यायाम करती हूँ। घड़ी घड़ी, मेरा छोटा भाई मुझसे घड़ी घड़ी प्रश्न पूछता है। आपने कक्षा सातवीं में विशेषण के विषय में पढ़ा था। विशेषण क्या होते हैं? जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताते हैं। जैसे हरा मैदान, हरा मैदान में विशेषण क्या है? हरा। और मैदान क्या है? विशेष्य। जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। तो आइए यह अभ्यास करें। इसमें कुछ वाक्यांश दिए हुए हैं जिनमें आपको विशेषण और विशेष्य अलग करके लिखना है। मृदुल वसंत, हरे हरे पात, कोमल गात, निद्रित कलियां, नव जीवन। अभ्यास तीन के उत्तर देखिए। मृदुल वसंत, मृदुल विशेषण है और वसंत विशेष्य। हरे हरे पात, इसमें विशेषण क्या है बच्चों? हरे हरे, और पात विशेष्य है। कोमल गात, कोमल विशेषण, गात विशेष्य। निद्रित कलियां, निद्रित विशेषण, कलियां विशेष्य। नव जीवन, नव क्या है? विशेषण, और जीवन क्या है? विशेष्य। आइए अभ्यास चार करते हैं। सहर्ष शब्द हर्ष में सह उपसर्ग जोड़कर बना है तथा अनंत शब्द अंत में अन उपसर्ग जोड़कर बना है। आप उपसर्ग पढ़ चुके हैं कि उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के प्रारंभ में लगकर एक नया शब्द बनाते हैं। अब आप स और अन उपसर्ग से दो दो शब्द बनाइए।
अभ्यास चार के उत्तर इस प्रकार है। स उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं स परिवार, स सम्मान, सहित, सघन, सरस। और अन उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं अनादि, अनेक, अनिच्छा, अनर्थ, अनुचित। अब आपके लिए कुछ गृह कार्य। ध्वनि कविता आपने पढ़ी, अब आपको ध्वनि कविता पढ़कर लोगों के जीवन में उत्साह जगाने के लिए आप क्या करेंगे, इसे आप अपने शब्दों में लिखेंगे। आपने बसंत पर आधारित कविता ध्वनि पढ़ी, अब हम इसी पर आधारित परियोजना कार्य करेंगे। इसमें कुछ कवियों की कविताएं आपको अपनी परियोजना कार्य कॉपी में लिखना है। सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रसिद्ध कविता वीरों का कैसा हो वसंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता फूटे हैं आमों में बौर, रामधारी से दिनकर जी की कविता वसंत के नाम पर। इन कविताओं को आप ढूंढिए और अपनी परियोजना कार्य कॉपी में लिखिए। धन्यवाद बच्चों।